सो नमस्कार स्टूडेंट्स, तो यहाँ अपन वापस से जो है वेक्टर वाली क्लास को रेगुलर करते हैं। काफ़ी कुछ जो है अपन इसमें पढ़ चुके हैं, जैसे समान सदिश जो है, शून्य सदिश, इकाई सदिश, और इसके बाद में जो है काफ़ी जानकारी जो है इकाई सदिश इनके बारे में जो है यहाँ पे अपन प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में क्वेश्चन वगैरह भी अपन ने किए हैं टेक, तो यहाँ पर जो है इसको रेगुलर रखते हुए जो है मैं एक आध क्वेश्चन जो है और आगे बढ़ाता हूँ। इधर देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने आपको ये समान सदिश बताया है, इधर देखें समान सदिश, इधर देखिएगा, तो समान सदिश के लिए अब मैंने क्या बताया आपको कि ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के। ऐसा कब होगा? जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और साथ में जो है दोनों का परिमाण क्या हो, इक्वल हो। तो ए की डायरेक्शन ए केप और बी की डायरेक्शन क्या है, बी केप, दोनों इक्वल होनी चाहिए। साथ में ए का परिमाण ये रहा और बी का परिमाण क्या है आपका, ये रहा, दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो क्या होगा, ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के इक्वल, ऐसा बताया मैंने। फिर उसके बाद में जो है इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के मैंने आपको ऐसा भी बताया कि ए वन आई के प्लस जो है ए टू जे के, उसके बाद ए थ्री के की, और जो है इधर क्या है बी वेक्टर, अगर ऐसा हो कि बी वन आई के प्लस बी टू जे के, और जो है साथ में क्या हो आपका बी थ्री के के, अगर ऐसा हो और दोनों सदिश जो है इक्वल होंगे, ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के। ऐसा कब होगा, जब दोनों में आई केप के गुणांक बराबर हो, दोनों में जे केप के गुणांक बराबर हो, साथ में दोनों में जो है के केप के गुणांक बराबर हो। तो जो है दोनों इक्वल कब होंगे, जब ए वन बराबर किसके हो, बी वन के, ए टू बराबर किसके हो, बी टू के, और जो है ए थ्री किसके बराबर हो, बी थ्री के। मतलब मैंने दोनों में आई केप के गुणांक बराबर किए, दोनों में जे केप के गुणांक बराबर किए, और दोनों में जो है के केप के गुणांक बराबर किए, तब जाके ए वेक्टर किसके इक्वल होगा भाई, बी वेक्टर के बराबर। अब इस पर बेस जो है अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे इधर देखें आप ध्यान से, इस पर बेस जो है यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे अल्फा माइनस टू आई केप प्लस अल्फा माइनस टू आई केप, उसके बाद में गामा जे केप, और जो है साथ में आपका क्या है गामा जे केप, और जो है साथ में गामा जे केप प्लस बीटा माइनस वन, और जो है के केप, ये क्या है आपका, ध्यान से देखना, अल्फा माइनस टू आई केप प्लस गामा जे केप प्लस बीटा माइनस वन के केप, उसके बाद में इधर देखिए ये क्या है आपका ए वेक्टर, उसके बाद वन माइनस का बीटा, वन माइनस बीटा आई केप, उसके बाद वन माइनस बीटा आई केप, साथ में टू अल्फा माइनस बीटा, टू अल्फा माइनस बीटा जे केप, और साथ में क्या है आपका इधर देखें टू अल्फा प्लस वन, टू अल्फा प्लस वन, और साथ में क्या है आपका के केप, इधर देखिए अल्फा माइनस टू, अल्फा माइनस टू आई केप प्लस गामा जे केप प्लस बीटा माइनस वन के केप, और साथ में क्या है आपका वन माइनस का बीटा आई केप प्लस टू एल्फा माइनस बीटा जे केप, और साथ में क्या है आपका टू एल्फा प्लस वन के केप। और ये बोल रहा है आपसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, इधर देखिए आपके ये आपका क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया है आपको, बी वेक्टर भी आपको दिया है, और उसने ये कहा है कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक, ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। तो आपको एल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है, एल्फा ये बीटा और साथ में क्या है आपका ये गामा, ये क्या है आपका बीटा और साथ में क्या है गामा, तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे है इक्वल है। और दूसरी बात, अगर इक्वल है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, तो दोनों में आई केप के गुणांक बराबर होंगे, दोनों में जे केप के गुणांक, और दोनों में जो है के केप के गुणांक बराबर होंगे। तो इधर देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपको इक्वल दिए हैं, क्वेश्चन में बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे हैं इक्वल है, तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे बताने। तो इधर देखना ध्यान से क्या होगा, दोनों में आई केप के गुणांक बराबर कर दूंगा, और दोनों में जे केप के गुणांक, और साथ में दोनों में के केप के गुणांक बराबर कर दूंगा, तो वहां से मेरे को अल्फा बीटा मिल जाएगा। तो इधर देखें इसमें आई केप का गुणांक क्या है, ऊपर वाले में ए वेक्टर में अल्फा माइनस टू, और नीचे वाले में क्या है वन माइनस का बीटा, ध्यान से देखना। उसके बाद इसमें जे केप का गुणांक क्या है गामा, और इस वाले में क्या है टू अल्फा माइनस बीटा, ये टू अल्फा माइनस का बीटा। उसके बाद इस वाले में के केप का गुणांक क्या है बीटा माइनस का वन, उसके बाद नीचे वाले में क्या है टू अल्फा प्लस वन, टू अल्फा प्लस वन। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई केप का गुणांक क्या है भाई अल्फा माइनस टू, और यहाँ पे क्या है वन माइनस बीटा, मैंने दोनों को इक्वल किया। उसके बाद में यहाँ जे केप का गामा है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई टू अल्फा माइनस बीटा, दोनों को इक्वल कर दिया। उसके बाद के केप का गुणांक यहाँ पे क्या है बीटा माइनस वन, और जो यहाँ पे क्या है टू अल्फा प्लस वन, ठीक। तो दोनों में मैंने जो है आई केप, जे केप और के केप तीनों जो है आई केप के गुणांक दोनों वेक्टर में बराबर कर दिए, जे केप वाले भी और के केप वाले भी। अब आप इधर सुनिए इससे आगे कैसे सोल्व करते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। देखो आप, मैं बीटा को इधर ला रहा हूँ तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और जो है टू को आप उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। एक तो आपको ये मिल चुका है अल्फा प्लस बीटा का टोटल कितना है थ्री। उसके बाद में इधर देखें आप ध्यान से, अच्छा और अल्फा और बीटा इसमें लास्ट वाले में, तो इधर देखें आप ध्यान से, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बीटा को उधर ले जाओ आप,
या और जो इसको इधर लाओ तो इधर देखें आप ध्यान से क्या होगा, वन को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, और जो है इसको उधर ले जाऊंगा टू अल्फा, और बीटा को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बीटा। तो इधर देखें या ये कहे टू अल्फा माइनस का बीटा किसके इक्वल है, माइनस टू के इक्वल है या नहीं, या ये कहें यहाँ से आप जो है बीटा निकाल सकते हो आराम से, ऐसा करो इधर देखो, या ऐसा भी मत करो आप तो जो है बीटा निकाल लो, बीटा बराबर क्या होगा वन को उधर भेजो तो टू अल्फा प्लस का ये जो है क्या हो जाएगा टू, ये किसकी वैल्यू है बीटा की, इस वैल्यू को जो है उठाकर आप कहाँ रखिए इक्वेशन नंबर वन में, ध्यान से देखना बीटा की जो वैल्यू आपके पास आई है इसको आप उठा के आप कहाँ रखिए वन में। तो इधर देखें ये इसको मैं टू नाम देता हूँ, तो ये बीटा का मान रखने पर क्या होगा, इधर देखें आप ध्यान से बीटा की वैल्यू रखिए, एल्फा प्लस बीटा कितना है वो रहा टू एल्फा प्लस टू, तो टू एल्फा प्लस टू कितना हुआ ये थ्री के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से कितना हो एल्फा प्लस टू एल्फा कितना हो गया थ्री एल्फा, और साथ में क्या है आपका प्लस टू, तो इक्वल कितना है थ्री, उसके बाद यहाँ से थ्री एल्फा किसके इक्वल हो गया आपका वन के इक्वल, हुआ कि नहीं हुआ, तो एल्फा बराबर कितना हो गया आपके पास वन बाई थ्री, आया कि नहीं आया। उसके बाद आगे देखें, अच्छा एल्फा जब आपके पास आ चुका है तो इसमें रख दो बीटा निकल जाएगा आपका, इधर देखें आप ध्यान से, चूंकि एल्फा प्लस बीटा कितना है थ्री है या नहीं, तो यहाँ से जो है एल्फा की वैल्यू रखिए आप इसमें एक बटा तीन प्लस बीटा, तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा बीटा थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो कितना होगा नाइन माइनस का वन और अपॉन थ्री, तो कितना होगा एट अपॉन थ्री, ये कौन निकल चुका है आपका ये बीटा, यही बात समझ में, बीटा आ गया एल्फा आपके पास है। अब इन दोनों इक्वेशन को दोनों को एल्फा बीटा को कहाँ रखिए आप इक्वेशन नंबर जो है ये इस, अगर मैं जैसे मान लो ये थर्ड भी नाम दूँ इसका, मैं अगर थर्ड नाम देता हूँ तो इधर देखिए एल्फा बीटा गामा की वैल्यू, एल्फा और बीटा की वैल्यू कहाँ रखिए आप इक्वेशन नंबर थ्री में, इधर देखें एल्फा एवं बीटा का मान समीकरण तीन में रखने पर क्या होगा, इधर देखें ध्यान से गामा बराबर कितना दिया है टू एल्फा माइनस का बीटा, दिया नहीं दिया, तो यहाँ पे जो है वैल्यू रखिए आप, इधर देखिए ध्यान से गामा बराबर टू एल्फा कितना है ये रहा आपका वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री रखिए, उसके बाद में माइनस का बीटा कितना है एट अपॉन थ्री, तो एट अपॉन थ्री ये रखिए, इधर देखिए सोल्व करो तो कितना होगा ये तीन जो है एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से टू माइनस का एट और जो है गामा कितना आ चुका है माइनस सिक्स अपॉन थ्री या कहें माइनस टू, ये किसकी वैल्यू आपके गामा की। तो इधर देखिए जब दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है तो अपन ने क्या किया दोनों में आई केफ के गुणांक इक्वल किए हैं, दोनों में जे केफ के गुणांक और साथ में जो है दोनों में के केफ के गुणांक इक्वल किए हैं, दोनों में जो है के केफ के गुणांक इक्वल किए हैं, तो इधर देखना आप ध्यान से वही अल्फा बीटा गामा जो है अपन यहाँ पे अल्फा निकल चुका है बीटा निकल चुका है साथ में क्या निकल चुका है आपका गामा, ठीक। तो इस तरह से जो है दो सदिश जब इक्वल होंगे तो जो है ऐसे अपन अल्फा बीटा गामा का मान जो है ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो इधर देखें अपन त्रिभुज नियम के बारे में अपन ने देखा है, तो त्रिभुज नियम क्या है नॉर्मली है ना, इधर देखिएगा ध्यान से क्या है आपको क्या करना है, जिन भी दो त्रिभुज नियम में अपन क्या करते हैं सदिशों का योग करते हैं, ठीक। कैसे, तो अपन जिन भी दो सदिशों को जो है जोड़ना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार, जैसे मान लीजिए आपका क्या है ए वेक्टर है और ये क्या है आपका बी वेक्टर, समझ रहे हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आपको टोटल चाहिए तो आप त्रिभुज नियम से किस प्रकार से जो है इस डायग्राम को बनाओगे, तो इधर सुने या आपने ए वेक्टर बना दिया, बनाने के बाद क्या करोगे ए वेक्टर का क्या है अंतिम बिंदु, इससे आप किस इसको जो है किससे मिलाइए बी वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से, तो मैंने इसे मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करोगे जो पहला सदिश आपका है उसके प्रारंभिक बिंदु को दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु से मिलाइए, तो मिलाने वाला जो सदिश होगा वो किसको प्रेजेंट करेगा दोनों सदिशों के टोटल को, या कहें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जो है वो प्रेजेंट करेगा, बाकी सब चीज़ें जो है मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर सुनिएगा ध्यान से, अब मैं आपके पास यहाँ पे समांतर चतुर्भुज जो है नियम की बात करता हूँ, तो इधर देखिएगा समांतर ये चतुर्भुज का नियम, इधर देखिएगा ध्यान से क्या है समांतर चतुर्भुज का नियम, सुनते जाना आप ध्यान से। तो इस प्रकार से जहाँ पे इसमें आपने क्या किया ए वेक्टर और बी वेक्टर को यूज करते हुए जो है उन दोनों का टोटल आपने फाइंड किया, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है मैं समांतर चतुर्भुज की बात करता हूँ। इधर देखिए या कहें समांतर चतुर्भुज से पहले अगर आप जो है ये देखना चाहो तो इसे देख लो, इधर देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा काम आ सकता है। इधर देखिए जैसे दो सदिशों को, जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर क्या है आपका ये, इधर देखिए ध्यान से के वन आई के प्लस के टू जे के, और साथ में क्या है आपका ए थ्री के के, उसके बाद ये बी वेक्टर क्या है आपका ए बी वन आई के प्लस बी टू जे के, और साथ में क्या है आपका बी थ्री के, ठीक। और आपको निकालना क्या है इस बार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
ये चीज देखनी है। तो इधर सुने आप ध्यान से, तो एक बार तो मैं नॉर्मली बताता हूँ और अगली बार जो है चित्र से डायग्राम से कैसे देखे, तो इधर देखे, अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी बात है, ए वेक्टर रखो उसमें से किसको जो है माइनस कर दो बी वेक्टर को। तो इधर सुनिए, ए वेक्टर क्या है आपका, वो रहा बी वेक्टर आपका, ये रहा। तो इधर देखिए, ए वेक्टर क्या है आपका, ए वन आई के प्लस का ए टू जे के और साथ में क्या है आपका ए थ्री के के, फेयर नहीं। उसके बाद माइनस कौन है आपका बी वेक्टर, ये रहा कौन है बी वन आई के प्लस का बी टू जे के और साथ में क्या है आपका बी थ्री के, फेयर नहीं। तो जैसे ऐड करने का तरीका है कि आपको आई केप में आई केप का गुणांक ऐड करना है, साथ में जे केप में जे केप का, और जो है के केप में के केप का गुणांक ऐड करना होता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। तो माइनस करने का भी वही तरीका है, आई केप के गुणांक में से आई केप का गुणांक माइनस करना है, जे केप के गुणांक में से जे केप का, और के केप में से जो है के केप का गुणांक माइनस करना है। तो इधर देखिए, अच्छा ए वन और आई केप का गुणांक यहाँ कौन है, ए वन है, यहाँ पे कौन है आपका, जब माइनस को अंदर लूंगा तो माइनस का बी वन हो जाएगा, तो दोनों में कौन कॉमन है आपका आई केप। तो इधर देखिए आप ध्यान से, ए वन माइनस का बी वन और दोनों में कौन कॉमन है आपका आई केप हो जाएगा। उसके बाद अच्छा इस बार जे केप वाले की गुणांक में यहाँ पे क्या है ए टू, वहाँ पे क्या है क्या हो जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का बी टू, दोनों में जे केप कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए टू माइनस का बी टू और साथ में क्या होगा आपका जे केप। उसके बाद जो है ऐसे क्या होगा ए थ्री माइनस का बी थ्री और जो है लास्ट में क्या है आपका के केप। तो दो सदिश जो है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, उनका जो है माइनस कैसे होगा या कहें एक सदिश में से दूसरे सदिश को कैसे घटाओगे, तो इस तरह से आई बात समझ में। उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से आप देख सकते हो। तो इधर देखिए, जैसे ए वेक्टर आपका दिया है जैसे थ्री आई केप, उसके बाद में जो है फाइव जे केप, उसके बाद में क्या है जैसे नाइन के केप, ऐसा दिया है। उसके बाद बी वेक्टर आपका दिया है माइनस का आई केप प्लस का जो है टू जे केप, उसके बाद क्या है आपका माइनस का थ्री के केप, ऐसा दिया है। और आपको क्या चाहिए, अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, क्या होगा यहाँ पे जो है आई केप का गुणांक क्या होगा ए वन माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस बी टू जे के प्लस ए थ्री माइनस का बी थ्री के केप। तो इधर देखें ए वन क्या है थ्री और यहाँ पे क्या है बी वन माइनस का वन, तो थ्री और माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा और साथ में क्या आएगा आपका आई केप। उसके बाद जे केप का गुणांक यहाँ कौन है ए टू फाइव और यहाँ पे कौन है आपका टू, तो टू माइनस फाइव और उसके बाद में साथ में जे केप। उसके बाद देखें के केप का गुणांक यहाँ पे कौन है आपका नाइन और इधर क्या है आपका माइनस थ्री, तो माइनस माइनस जो है कितना हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के केप हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप, क्या होगा फोर आई केप प्लस आई केप और जो है प्लस का थ्री जे केप और लास्ट में क्या है आपका ट्वेल्व और जो है के केप। तो ये आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सेम ऐसे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ें अब इसको जो है डायग्राम के माध्यम से आप कैसे समझोगे, तो आप इधर देखेंगे, इधर देखिएगा डायग्राम से कैसे समझोगे, सुना आप ध्यान से। जैसे नॉर्मली अभी समांतर चतुर्भुज का नियम जो है ये नहीं है ना, नॉर्मली में दो सदिशों को कैसे घटाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखिएगा ध्यान से। अच्छा त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जैसे मान लो आपका ये ए वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा क्या है आपका ये ए वेक्टर, उसके बाद ये क्या है आपका जैसे नॉर्मली मैंने ये आपका बी वेक्टर ऐसे बना दिया, जैसे कैसे भी देख लो आप, इसको थोड़ा बड़ा बनेगा थोड़ा छोटा करता हूँ, क्या है आपका ये बी वेक्टर, ठीक। आपको निकाल ये क्या है क्या होगा आपका ये क्या है आपका, ऊपर तक मिलाता हूँ, क्या होगा ये सी वेक्टर। अच्छा सी वेक्टर का टोटल किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के टोटल के बराबर होगा या नहीं होगा। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए सी वेक्टर बराबर यहाँ किसके होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, किस नियम से त्रिभुज नियम से, मुझे ये नहीं चाहिए इस बार, मुझे क्या चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो उसको आप डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से देखोगे, तो इधर सुनिए ध्यान से। अच्छा त्रिभुज नियम में अपन करते क्या है, दो सदिशों को समान क्रम में जो है जोड़ते हैं, पहले सदिश के जो है लास्ट पॉइंट से जो है दूसरे सदिश के फर्स्ट पॉइंट को ऐड करते हैं, उसके बाद फर्स्ट सदिश का जो है फर्स्ट पॉइंट से उससे जो है दूसरे सदिश के लास्ट पॉइंट को जो है मिलाते हैं, तो वो सदिश किसको प्रेजेंट करता है दोनों सदिशों के टोटल को, या कहें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैं इसकी तो यहाँ बात कर नहीं रहा, अब आप इधर सुनिए ध्यान से, ये पता है मेरे को कि सी किसके बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अच्छा वेक्टर कैलकुलस में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको जो है एक सदिश को जो है दूसरी जगह जो है प्रतिस्थापित करना है, तो आप उसको ऐसा का ऐसा उठा के जो है वहाँ पे
जो दिखा सकते हो। तो इधर सुनिए, आप ध्यान से क्या करूँगा, मैंने क्या किया अभी, जैसे जस्ट मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, ए वेक्टर, तो इसके जस्ट अपोजिट ये क्या होगा, इसी लंबाई का माइनस ए वेक्टर, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, बी वेक्टर किधर है आपका, उधर। मैंने क्या किया, इस बी वेक्टर को इस दिशा में आगे बढ़ाया, ध्यान से देखना, ये इस दिशा में बढ़ा दिया, ये क्या है आपका माइनस बी वेक्टर, सुनते जाना ध्यान, ये आपका ए बिंदु है, ये क्या है आपका बी बिंदु, और इधर जैसे मान लीजिए या पी क्यू आर ले लो, ऐसा पी ये क्यू और ये क्या है आपका आर, ठीक। और इधर जो है जैसे मान लीजिए एम ई ले लो आप, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद इधर सुनिए, मैंने क्या किया, ये जो बी वेक्टर उधर था उसको मैंने इधर बना, तो इधर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन उधर है बी वेक्टर की, और आपके बी वेक्टर की क्या होगी, तो इधर जो है इधर क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब उसके बाद इधर सुनो, ये आपका पद, इसमें मैं त्रिभुज नियम जो है यूज करूंगा, कैसे इधर देखिएगा ध्यान, ये क्या है आपका ए वेक्टर, अच्छा किधर जा रहा है ये उधर, इसका क्या हुआ ये लास्ट बिंदु हुआ कि नहीं हुआ ये वाला। उसके बाद जो बी वेक्टर मैंने बनाया है इसका क्या है, ये बी वेक्टर, अब जो है माइनस बी वेक्टर इधर है, तो माइनस बी वेक्टर का अंतिम बिंदु तो ये है, इसका प्रारंभिक बिंदु ये रहा। तो देखो आप, मैंने दो सदिशों को समान क्रम में जोड़ दिया, पहले सदिश के लास्ट बिंदु से दूसरी सदिश का प्रारंभिक बिंदु जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका प्रारंभिक सदिश है उसके फर्स्ट पॉइंट को दूसरे सदिश के जो है लास्ट पॉइंट से मिलाइए, तो मिलाने वाला जो सदिश होगा वो क्या करेगा, ये कौन है आपका, कौन है ये, इन दोनों के टोटल के बराबर। तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, ये तो ए वेक्टर है, ये क्या है आपका माइनस बी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल, और ये आपको निकाल, समझ में आई कहानी, क्या किया है मैंने। इधर देखिए आप ध्यान से, या इस डायग्राम से नहीं, एक और डायग्राम देख लो ऐसा, इधर देखिएगा ध्यान से, जैसे ये क्या है आपका ए वेक्टर, सुनिए ध्यान से, ये क्या है, इस बार ऐसा बना देता हूँ, ये क्या है आपका, ये बी वेक्टर बना दिया आपने, कौन है बी वेक्टर, यहाँ से देखिए ये ए वेक्टर है, इसका लास्ट पॉइंट है, और ये बी वेक्टर है, इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, दोनों को मिला दिया मैं। उसके बाद क्या करोगे, तीसरा सदिश बनाओ, जो जो है पहले के फर्स्ट पॉइंट को दूसरे के लास्ट पॉइंट से मिलाए, तो ऐसा मैंने सदिश बना दिया, ये कौन है आपका सी वेक्टर, और इस चीज़ को प्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सही है बात। उसके बाद क्या करोगे, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो इसको जो है डायग्राम में किस प्रकार से त्रिभुज नियम के माध्यम से आप देखोगे, तो इसके लिए क्या करोगे, मैंने क्या किया, इधर आपका बी वेक्टर है, इसको जो है मैं इस दिशा में बनाता हूँ, तो इधर देखिए आप ध्यान से, ये मैंने क्या किया, ये क्या बनाया भाई, ये क्या है आपका माइनस बी वेक्टर है या नहीं, तो इधर देखो ये आपका बिल्कुल ए वेक्टर ऐसा कैसा ही, देखो आप ए वेक्टर का जो है पहले सदिश का क्या है ये प्रारंभिक बिंदु, या क्या है अंतिम बिंदु, उसके बाद दूसरा क्या है आपका माइनस बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर इस दिशा में है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु क्या है ये, तो मैंने इसको इससे मिला दिया। उसके बाद इसका लास्ट बिंदु ये है, तो दो सदिश ये और ये समान क्रम में जुड़े हुए हैं, समान क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करो पहले सदिश का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको उसको क्या करो आप दूसरे सदिश के लास्ट पॉइंट से मिलाइए, तो पहले सदिश का फर्स्ट पॉइंट ये रहा, इसको जो है मैं किससे मिलाऊंगा, दूसरे सदिश के लास्ट पॉइंट से मिलाते हुए जो है एक वेक्टर बनाइए आप, ये बना दिया तो ये किसको प्रेजेंट करेगा, ये जो आएगा, अगर मैं इसका जो है जिसे मान लीजिए डी वेक्टर ही नाम देता हूँ, तो डी वेक्टर किससे इक्वल होगा, इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा या नहीं होगा, त्रिभुज नियम से ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर कौन है आपका माइनस बी वेक्टर, होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल क्या आ चुका है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस प्रकार से दो सदिशों को माइनस किया जाता है, और नॉर्मली तो ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, वही आई कैप में से आई कैप का गुणांक घटाओगे, जे कैप में से जे कैप का, और के कैप में से के कैप का, तो इस प्रकार से नई कहानी समझ में। और डायग्राम के माध्यम से देखो आप त्रिभुज नियम का जो भी यूज करते हुए, तो इस प्रकार से जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक, आई बात समझ में। अब इसके बाद जो है अपन जो है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते हैं, उसमें किस प्रकार से जो है, क्योंकि उसमें ये दोनों ही चीज़ें काम आने वाली है, वो उसके विकर्णों की लंबाई किस प्रकार से निकलती है, या कहें परिणामी जो होता है विकर्ण, वह एक वेक्टर के साथ कितना कोण बनाता है, तो वो सब चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो ये समझ में आया आपको, दो सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से उनको घटाया जाता है। तो जोड़ने के लिए अपन जो है कौन सा नियम यूज करते हैं, त्रिभुज नियम, और घटाने के लिए भी जो है कौन सा नियम यूज करते हैं, त्रिभुज नियम, और किस प्रकार से उसको जो है देखते हैं, दो सदिश लेने हैं आपको और दोनों सदिशों को समान क्रम में जो है जोड़ना है, और तीसरा सदिश क्या करना है, उनके जस्ट अपोजिट क्रम में जोड़ देना है, तो तीसरा सदिश जो है वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों सदिशों के टोटल के इक्वल, यही जो है त्रिभुज का नियम है। देखो आप इस वाले जो है डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में, दोनों डायग्रामों में मैंने क्या किया है, त्रिभुज का नियम यूज किया, जिसे आप इस वाले में ये क्या है आपका ए वेक्टर, इधर क्या है आपका बी वेक्टर, और जो है उनके जस्ट अपोजिट क्या है आपका सी वेक्टर, तो दोनों के टोटल के बराबर है, ये तो त्रिभुज नियम है। उसके बाद अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर को इधर बना दिया, बनाने के बाद इधर जो है, अब जब इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर तो आपका उधर है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर,
अब क्या किया मैंने, ए वेक्टर से कौन जुड़ गया आपका माइनस बी वेक्टर, तो ये दोनों तो समान क्रम में हो गए, और तीसरा सदिश मैंने बना दिया जिसका क्रम इन दोनों के क्या है, जस्ट अपोजिट है, पहले वाले के फर्स्ट से जो लास्ट वाला सदिश मैंने बनाया ना उसका फर्स्ट, और जो है उसके दूसरे वाले के अंतिम बिंदु से मिला दिया। तो मिलाने के बाद क्या होगा, इसका जो मान होगा उन दोनों के टोटल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी तो त्रिभुज का नियम काम कर रहा है। देखो आप, ये दो सदिश तो समान क्रम में हुए और ये तीसरा जो है क्या हुआ, इनके अपोजिट क्रम में, तो इसका जो टोटल होगा इस वेक्टर का वो दोनों के टोटल के बराबर हो जाएगा। तो ये वेक्टर है और इधर क्या है आपका माइनस का बी वेक्टर, तो देख सकते हो इस वाले में भी वही कहानी है और इस वाले में भी जो है वही कहानी। ठीक, तो अपन ने जो है दो वेक्टर जो है इक्वल होंगे इसके लिए जो है इक्वेशन किया है। अब इसके बाद में इधर देखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा आप, ध्यान से देखना, संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश, इधर देखिए ध्यान से, संरेखीय सदिश तो नाम से ही पता चल रहा है, संरेखीय का मतलब क्या है, जो है एक ही रेखा पर दोनों सदिश जो है आ सकते हैं। तो इधर देखिए आप ध्यान से, इधर देखिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट तो बताया है कि ए वेक्टर समांतर वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि दो सदिश जो है कब समांतर होंगे और कब जो है दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट होंगे। तो इधर देखिए आप ध्यान से, मैंने आपको समदिश और जो है विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो समदिश में क्या था, दो सदिश जो है कैसे होंगे समदिश, तो समदिश कब होंगे, ए वेक्टर और जो है बी वेक्टर जो है समदिश होगा, ऐसा कब होगा, जब लेमडा आपका कैसा हो पॉजिटिव, उसके बाद में जो है विपरीत होंगे। तो विपरीत के लिए भी जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कल, इधर देखें कि ए वेक्टर जो है बराबर हो लेमडा बी वेक्टर के, तो जो है दोनों विपरीत होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसा कब होगा, जब आपका लेमडा कैसा हो नेगेटिव। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को जो है मैं इधर देखें आप ध्यान से संरेखीय के लिए किस तरह से यूज करूंगा, तो इधर देखें आप ध्यान से कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान से देखना, ए वेक्टर एवं अपन अब जो है किसकी बात कर रहे हैं, संरेखीय की, तो इधर देखें ध्यान से, ये संरेखीय, संरेखीय, तो इधर देखिएगा ध्यान से कि ए वेक्टर बराबर जो है ए वेक्टर एवं बी वेक्टर संरेखीय हो गए, संरेखीय होंगे यदि, इधर सुनना ध्यान से कि ए वेक्टर बराबर किसके हो, लेमडा बी वेक्टर के, आई बात समझ में, इन दोनों का मिक्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखीय होगा, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि समांतर सदिश में अपन करते क्या है, इधर देखिए जैसे ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर और ये क्या है आपका बी वेक्टर, ध्यान से देखना, तो इस पोजीशन में भी दोनों कैसे हैं समांतर, और इस पोजीशन में भी दोनों कैसे हैं, अगर ऐसा भी हो तब भी दोनों कैसे हैं, अगर जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका ये माइनस बी वेक्टर, इसे बना दिया मैंने, एक मिनट सुनना, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों ऐसे हैं और उस वाले केस में मैंने इस तरह से बना दिया, तो ये भी समांतर वाला ही केस है और वो वाला भी समांतर वाला ही केस है, इस केस में थीटा क्या है आपका जीरो डिग्री दोनों के मध्य, और इस वाले में क्या है थीटा बराबर क्या है आपका 180 डिग्री है या नहीं। ठीक, तो ये दोनों जो है समांतर वाले केस में है, तो इधर देखिए आप ध्यान से कि संरेखीय के लिए क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखीय होंगे यदि ऐसा होगा। अब यहाँ पे आपका लेमडा पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव, तो इधर देखते जाए आप ध्यान से किस तरह से जो है आप इसे यूज करोगे, इधर देखिएगा, अब मैं A1 को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो A1 को मैंने ऐसे लिखा कि A1 i के प्लस A2 j के प्लस का A3 आपका k के। ठीक, उसके बाद में इधर देखिएगा लेमडा बराबर B वेक्टर को मैं क्या लिख रहा हूँ, B1 i के प्लस का B2 j के और साथ में क्या है आपका B3 k के, आया समझ में। उसके बाद में इधर देखिएगा इसको मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो क्या होगा लेमडा B1 i के प्लस का लेमडा B2 j के और साथ में क्या होगा आपका लेमडा B3 और जो है k के, और इधर क्या चल रहा है आपका A1 i के प्लस का A2 j के और साथ में क्या है आपका A3 k के, या नहीं। और ध्यान रहे दो ये भी क्या है एक वेक्टर ही है, बस के और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अदिश जो है लेमडा से, तो दोनों इक्वल होंगे ऐसा कब होगा, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब दोनों में आई केप के गुणांक बराबर हो, दोनों में जे केप के गुणांक और साथ में जो है दोनों में केप के गुणांक भी क्या हो बराबर, बराबर कर दीजिए आप, तो यहाँ से क्या होगा A1 किसके इक्वल आया है लेमडा B1 के, उसके बाद A2 किसके इक्वल आया है, यहाँ पे देखो जे केप का गुणांक क्या है लेमडा B2, उसके बाद में यहाँ केप का क्या है A3 और उधर क्या है लेमडा B3, इधर देखते जाए तो यहाँ से लेमडा क्या होगा A1/B1, यहाँ से क्या होगा लेमडा आपका A2/B2, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा लेमडा आपका A3/B3 होगा या नहीं होगा, तो तीनों से देखो यहाँ पे लेमडा इसके इक्वल है, यहाँ पे लेमडा इसके इक्वल, यहाँ पे लेमडा जो है इसके इक्वल, तो आप तीनों को इक्वल कर दीजिए, क्या होगा A1/B1 बराबर A2/B2 और बराबर क्या होगा आपका A3/B3 और जो है तीनों किसके इक्वल है भाई लेमडा के इक्वल, आई बात समझ में। तो ये जो है संरेखीय दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखीय होंगे यदि जो है ये
ये जो है ये इक्वेशन आपका संतुष्ट होता है, a1/b1 बराबर जो है a2/b2 और जो है a3/b3। अगर ऐसा होता है ठीक, तो अपन क्या कहेंगे कि ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर जो है किसके समरेखीय होगा बी वेक्टर, या कहीं बी वेक्टर ए वेक्टर के समरेखीय होगा। तो इधर देखिए आप ध्यान से, इस पर बेस्ड जो है अपन एक एग्जांपल करते हैं। तो इधर देखिएगा आप ध्यान से, इधर देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे इधर देख लो, इधर देखिए, जैसे ए वेक्टर लिया मैंने 2i प्लस का 3j और जो है माइनस का 6k, ध्यान से देखना। उसके बाद में बी वेक्टर लिया मैंने जैसे 4i, उसके बाद में माइनस का 6j और जो है लास्ट में क्या लिया मैंने, माइनस का 12k, ध्यान से देखना, ये केस लिया मैंने। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखीय होंगे। इधर देखिए आप ध्यान से, क्या ए वेक्टर एवं बी वेक्टर संरेखीय होंगे, ठीक। तो ए वेक्टर बी वेक्टर संरेखीय होंगे या नहीं होंगे, तो संरेखीय की शर्त क्या है भाई, a1/a2 जो है, इधर देखो ये रही शर्त, a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर क्या हो, a3/b3, तीनों में जो है आई केप का गुणांक, दोनों में आई केप का गुणांक, जे केप का गुणांक और के केप का गुणांक जो है उनका अनुपात क्या करोगे आप, इक्वल करोगे। तो यहाँ पे क्या है, सोल्व करोगे तो इधर देखिएगा ध्यान से क्या होगा, 2/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है a2/b2 क्या हो जाएगा, इधर देखो a2 क्या है आपका, तीनों को निकाल लो आप, तो इधर देखिए a2 क्या है आपका 3, b2 क्या है आपका -6, उसके बाद में a3 क्या है आपका -6 और जो है b3 क्या है आपका -12। तो इधर देखो आप ध्यान से, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 1/2 हो गया, उसके बाद में ये कितना हो गया देखो आप, माइनस का 1/3, और ये कितना हो गया आपका प्लस का 1/2। तो इधर देखो 1/2 उधर 1/2, यहाँ पे क्या है इधर देखो 1/2, इधर क्या है -1/3 और इधर क्या है आपका उधर 1/2, इक्वल नहीं है भाई, 1/2 क्या, 1-1 भी जो है इनमें से अगर फेल हो जाता है, 2 तो इक्वल है लेकिन 1 जो है इक्वल नहीं है, लेकिन जो है आपके जो है तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों की वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जो है ये जेके वाला गुणांक का अनुपात जो है ये भी अगर 1/2 होता तो दोनों सदिश कैसे होते संरेखीय, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए जो है क्या होगा भाई, क्या होगा, दोनों सदिश जो है यहाँ पे संरेखीय नहीं होंगे। उसके बाद इधर देखिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका ए वेक्टर बराबर लेमडा -1 ik, उसके बाद में 2jk, और उसके बाद में क्या है आपका μ+1 और जो है ये μ+1 और जो है आपका kk, उसके बाद बी वेक्टर है आपका इधर देखिएगा 3ik प्लस का 4jk, उसके बाद में 6kk, ध्यान से देखना। ए वेक्टर बराबर है λ-1 ik प्लस 2jk प्लस का μ+1 जो है kk, उसके बाद बी वेक्टर है आपका 3ik प्लस 4jk और जो है 6kk। तो इधर सुनिए ध्यान से, यदि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर संरेखीय हो तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर संरेखीय हो तो 4λ+5μ की वैल्यू आप बताएं। इधर देखिए ध्यान से क्या है, ये वेक्टर आपका ये दिया है λ-1ik प्लस 2jk और जो है लास्ट में क्या है μ+1kk, बी वेक्टर आपका 3ik प्लस 4jk प्लस का क्या है 6kk। तो उसने ये कहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, संरेखीय हैं, तो बिल्कुल ये वाला कथन जो है ट्रू होगा, a1/b1 बराबर जो है a2/b2 और जो a2/b2, उसके बाद में a3/b3 जो है क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद में उसने क्या पूछा है कि 4λ+μ जो है मेरे को चाहिए। तो इधर देखिए आप लेमडा और जो है म्यू की वैल्यू अपने जो है फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में दोनों को यहाँ रख देंगे तो आपको जो है 4λ+5μ मिल जाएगा। इधर देखिए आप ध्यान से, तो संरेखीय होने की क्या शर्त है कि a1/2, इधर देखिए आप ध्यान से, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर संरेखीय होंगे यदि क्या होगा, a1/b1 बराबर किसके हो a2/b2 के, और बराबर किसके हो a3/b3 के, ठीक। तो इधर देखिए यहाँ पे a1 क्या है आपका λ-1 और यहाँ पे क्या है नीचे b1 3, उसके बाद में इधर देखो a2 क्या है jk का गुणांक, ऊपर 2 है नीचे क्या है 4, उसके बाद इधर देखें लास्ट वाले में क्या है μ+1 और जो है इधर क्या है नीचे 6। इधर देखिए यहाँ पे सोल्व कीजिए तो ये कितना हो गया भाई, इससे कटेगा तो 2 टाइम अनंत 1/2 हो चुका है, और जो है इधर क्या है λ-1/3
और यहाँ पे इक्वल किसके हैं, म्यू प्लस वन अपॉन जो है क्या है सिक्स। तो इधर देखिए आप ध्यान से, यहाँ से लेमडा कितना निकलेगा, तो लेमडा माइनस वन अपॉन थ्री किसके इक्वल है, वन बाई टू के, क्रॉस गुणा करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू लेमडा, या टू लेमडा और जो है माइनस का टू, या ये कहें इसको भी आप जो है रहने दो। इधर देखें आप ध्यान से, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस तीन को उधर भेज दो ओनली। लेमडा माइनस वन कितना हो गया, थ्री अपॉन टू हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से लेमडा आपका कितना निकलेगा, लेमडा को इधर भेज दो, तो लेमडा बराबर कितना होगा देखो आप, कितना होगा फाइव अपॉन टू जो है यहाँ से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में इधर देखिएगा ध्यान से, फाइव अपॉन टू और जो है यहाँ से ये म्यू भी निकाल लेते हैं अपन। इधर देखो आप ध्यान से, म्यू प्लस वन अपॉन सिक्स किसके इक्वल है, वन बाई टू के, तो इधर देखो ये म्यू प्लस वन अपॉन सिक्स किसके इक्वल है, वन बाई टू के, क्रॉस गुणा मत करो आप, सिक्स को उधर भेजो, तो म्यू प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा, सिक्स अपॉन टू या एक है थ्री, तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा आपका टू, आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर देखो लेमडा आ चुका है, म्यू आ चुका है, दोनों की वैल्यू उठा के उसमें रखिए, देखो देखो आपने क्या किया है, आई के का गुणा गया लेमडा माइनस वन, यहाँ पे क्या है थ्री, दोनों को जो है अनुपात दोनों का ये होगा, यहाँ टू अपॉन फोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा म्यू प्लस वन अपॉन सिक्स, तो म्यू प्लस वन अपॉन सिक्स किया, उसके बाद टू से टू बार कटेगा, तो यहाँ पे वन बाई टू हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, लेमडा माइनस दोनों को जो है एक बार इनको इक्वल कर दिया, एक बार इनको इक्वल, तो इनको इक्वल करूंगा तो जो है यहाँ से क्या होगा थ्री को उधर भेजूंगा, तो क्या होगा लेमडा माइनस वन थ्री बाई टू के इक्वल, और लेमडा बराबर कितना होगा यहाँ पे फाइव अपॉन टू। उसके बाद एक बार जो है इन दोनों को इक्वल करूंगा, तो म्यू प्लस वन अपॉन सिक्स किससे इक्वल किया मैंने, वन बाई टू के, तो म्यू प्लस वन किससे इक्वल होगा जो है सिक्स को ऊपर भेज दे, टू से कटेगा तो थ्री टाइम। उसके बाद म्यू कितना हो जाएगा यहाँ से टू हो जाएगा। अब आप इधर देखिएगा ध्यान से, ठीक लेमडा आपका आ चुका है, म्यू आपका आ चुका है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है उठा के मैं कहाँ रखूंगा, ये अगर मैं इसका इक्वेशन नंबर वन नाम देता हूँ, इधर देखिएगा ध्यान से, इसी की तो वैल्यू निकालनी है आप, ठीक, तो इक्वेशन नंबर वन में अगर मैं रखता हूँ तो बिल्कुल मेरे को क्या मिलेगा, और लेमडा प्लस फाइव म्यू, तो इधर देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ, इधर देखिएगा क्या होगा आपको निकालना क्या है, फोर लेमडा प्लस फाइव म्यू ये निकालना है, तो फोर लेमडा कितना होगा, इधर देखिएगा फोर लेमडा कितना है आपका फाइव अपॉन टू, ये फाइव अपॉन टू। उसके बाद इधर देखिएगा म्यू कितना है आपके पास टू, तो फाइव म्यू है, तो फाइव इंटू म्यू कितना है ये टू, तो बिल्कुल मैंने रख दिया। तो इधर देखो आप ध्यान से सॉल्व करो क्या हो गया, देखो दो से कटेगा ये दो बार, तो पाँच टू इंटू फाइव कितना हुआ टेन, उसके बाद में इधर कितना हुआ फाइव इंटू टू ये भी टेन, तो इधर जो है कितना हो गया ये ट्वेंटी, और ये किसकी वैल्यू है फोर लेमडा प्लस फाइव इंटी, ठीक। तो जो है यह संरेखीय वाले कॉन्सेप्ट से क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखीय दिए हुए थे, तो उसने पूछा क्या है आपसे फोर लेमडा जो है प्लस फाइव में, तो जो है बिल्कुल जो है ऐसे निकलेगा, ठीक।